हेलो फ्रेंड्स, कुमुद हियर एंड आई एम फ्रॉम गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर। सो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि अडेनियम का तो टाइम लगेगा उसको रिपोर्ट करने में, तो मैं आपको अपने गार्डन के थोड़े खिले हुए फूल दिखाती हूँ। अभी इस समय गार्डन बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये कॉर्नर मैंने नया बनाया है, ये देखिए कैसा लग रहा है फ्रेंड, बताइए। क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जितने भी खिले हुए फूल हैं उनको मैंने थोड़ा सा इस टाइप से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अरेंज किया है, ये देखिए। और ये इस साइड मेरा गेट पड़ता है, इस साइड में गेट पड़ता है, तो जैसे ही यहाँ पे हम घुसते हैं तो ये गार्डन का व्यू बहुत ही अच्छा नज़र आता है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब जो फूल खिल रहे हैं वो अब अपने पीक पे हैं शायद, या मार्च तक शायद और भी खिलेंगे अच्छे से। ये देखिए बिगोनिया कितना सुंदर लग रहा है, अभी ये फुल ब्लूम पे लगता है, जैसे बिल्कुल फुल ब्लूम पे आ गया है। और ये इसके नीचे पिंक वाले हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। फिर ये डिमोफोटिका, इस ये भी अब खिलने शुरू हो गए हैं, इसमें काफ़ी सारे कलियां आई हुई हैं, तो ये थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छे से खिल जाएंगे और बहुत सुंदर लगने वाले हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर होता है। और ये देखिए, ये यहाँ पे वर्बीना है, जो कि आज मुझे इसका पॉट चेंज करना पड़ा क्योंकि इसमें काफ़ी रूट बाउंडेड था, लास्ट ईयर का था तो ये काफ़ी ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था। और ये अलाइसम है, और ये देखिए ये है अभी फ़िलहाल की ब्यूटी, वाइट मैरीगोल्ड। ये मैंने ऑनलाइन इनके सीड्स मंगाए थे फ्रेंड्स, और ये मुझे बहुत ही पसंद है, ये देखिए पास से दिखाती हूँ, ये देखिए है ना सुंदर। तो ये ऑनलाइन सीड्स थोड़े से महंगे थे लेकिन सुंदर बहुत हैं, बहुत सुंदर हैं। और इसमें जो है बर्ड्स भी बहुत सारी आ रही हैं, तो ये सारे के सारे खिलने वाले हैं। और अब जो है पेटूनिया का सीजन भी शुरू हो गया है, तो पेटूनिया भी अब खिलने शुरू हो गए हैं, वेरी प्रिटी कलर। पेटूनिया फ्रेंड्स थोड़ा लेट ब्लूमर होता है और ये फरवरी के एंड में खिलना शुरू होता है अच्छे से, और फिर ये मार्च और अप्रैल तक भी खिलता रहता है। तो लास्ट ईयर मैंने नोटिस किया कि ये अप्रैल में भी बहुत अच्छा खिलता है। और ये देखिए जेरेनियम्स अब कितने सुंदर खिलने शुरू हो गए हैं, मेरे पास इस टाइम ये दो ही हैं, तीन हैं इनफैक्ट यहाँ पे, एक ने अभी खिलना शुरू नहीं किया है और ये दो अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। और ये देखिए रोज, कितना सुंदर रोज है, ये देखिए सो ब्यूटीफुल। इसमें भी बर्ड्स आ रही हैं काफ़ी सारी, और ये मेरा अच्छा सा कॉर्नर बन गया है एक कैलेंडुला का, ये देखिए। और ये हैं क्रिसेंथेमम्स जो अभी तक भी खिल रहे हैं, आई थिंक ये लास्ट ही क्रिसेंथेमम का बचा है जो कि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पे है। एक ये बचा है, हाँ, और एक ये भी है, एक ये वाला है, बहुत सुंदर है। इन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन दोनों मिलके बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये पैंजीज भी अब बहुत अच्छे खिल रहे हैं फ्रेंड्स, ये डबल वाला पैंजी है, ये देखिए इसी के अंदर दो तीन पर्पलिश शेड में है, ये देखिए है ना सुंदर। और ये थोड़ा छोटा वैरायटी है, और ये भी थोड़ा छोटा वैरायटी है, ये येलो कलर में है। और ये चिलीज हैं जो कि सब लोग अभी तक सोच रहे हैं कि ये शायद पेपर्स हैं, रेड पेपर्स, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि रेड पेपर्स जो हैं, पेपर्स जो भी हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं और ये बिल्कुल सीधे हैं। और अब ये डेहलियाज भी खिलने शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए एक ये कलर है और एक ये कलर है। इस टाइम मैंने, इस साल मेरे डबल डेहलियाज नहीं लग पाए, छोटी छोटी मैंने सैपलिंग्स खरीदी थी इनकी,
लेकिन डबल बोल के दिया था शॉपकीपर ने, लेकिन निकले ये सारे हैं सिंगल वाले। सिंगल वाले की एक अच्छी बात ये है कि इसमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये जो इसमें सपोर्ट लगा है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये माली ने बस ऐसे ही लगा दिया है, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे फूल जो हैं इकट्ठे मिलके कितने सुंदर लगते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इंग्लिश डेजी हैं, ये भी अभी फुल ब्लूम पे आ गए हैं। और हालांकि ये मेरे लगे हुए हैं सेरामिक पॉट्स में, लेकिन फिर भी ये अच्छे खिल रहे हैं। मुझे लगता है थोड़े ही दिनों में मुझे इनको थोड़े बड़े और चौड़े पॉट में इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे कि ये अच्छे से खिल पाए। और ये साल्वियाज हैं ये वाले। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी ग्रास में ग्रास थोड़ा सा पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। ये देखिए, घर को एंटर करते ही फ्रेंड्स ये हमारे सामने नज़ारा आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं इसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ क्योंकि ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद आता है ये वाला, इसमें अभी जो ये लगे हैं डाइंथस, ये पूरे खिले नहीं हैं और लेकिन कुछ कुछ शुरू हो गए हैं, कलर्स इनमें दिखने लग गए हैं। ये देखिए, और यहाँ पे भी एक दो डेलिया के हैं, लेकिन ये भी सिंगल वाली वैरायटी है। और थोड़े यहाँ पे कैलेंडुलास हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरी लाइन जो है ये डाइंथस की है, ये वाली। और ये मेरा कॉर्नर है इंडोर प्लांट्स का। और फ्रेंड्स, उस साइड भी एक हिस्सा है ये इंडोर प्लांट्स का, ये वाला। ये देखिए, ये भी इनमें भी अब थोड़ी जान आनी शुरू हो गई है। और ये देखिए बेबी टीयर्स, ये बहुत सुंदर लग रहा है। जरबेरा अभी थोड़ा डाउन जा रहा है, इसको कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी ये लॉन एरिया में जो मैंने डेलियाज लगाए थे फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही लेट ब्लूम कर रहे हैं, अभी हुए भी नहीं हैं, ओनली बढ़ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप का थोड़ा सा इशू था। और जो टेरेस पे थे वो तो बहुत अच्छे खिल रहे थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है ये है बालसम, ये परमानेंट टाइप का बालसम है। ये देखिए, इसमें भी काफी सारी बर्ड्स आ रही हैं। और ये है साइक्लामेन, साइक्लामेन भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए, नीचे से इनमें काफ़ी न्यू शूट्स निकल रहे हैं और बर्ड्स भी बहुत सारी आ रहे हैं। ये देखिए, और जो ये नीचे वाले कैलेंडुलास हैं ये भी अब खिलने शुरू हो गए हैं। बहुत लेट खिल रहे हैं, लेकिन अभी तो फ़रवरी, मिड फ़रवरी ही है, तो ये सब अब खिलते रहेंगे। और उस साइड भी कुछ प्लांट्स हैं और कुछ फ्लावर्स हैं। और ये रेड रेड बडिंग पे आ गए हैं कलनचू प्लांट्स, कैलनकोई, और उसके पीछे मैरीगोल्ड्स हैं फ्रेंड्स। और ये हैं हमारे एनुअल क्रिसेंथेमम्स, जो कि कुछ तो फुल ब्लूमिंग पे हैं और कुछ पूरे बर्ड्स में हैं। ये देखिए, और ये गार्डन यहाँ से दिखता है इस तरीके से। शाम का टाइम है फ्रेंड्स, तो इसलिए थोड़ी लाइट थोड़ी कम लग रही है। और ये हैं आइस प्लांट्स नीचे की तरफ। और ये हमारा आ गया है हिबिस्कस पे, अब अच्छी बडिंग भी हो रही है और ये खिल भी बहुत अच्छे रहे हैं। येलो रोजेस काफी शुरू हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये शाम का मेरा गार्डन है। यूजुअली मैं शाम को ही वीडियो बना पाती हूँ, यहाँ का टाइम ही इसी टाइम लगता है। और कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम करेंगे एडेनियम की रीपॉटिंग। एडेनियम को मैंने 3-4 दफ़ा सुखा लिया है ऑलरेडी फ्रेंड्स, फंगीसाइड पाउडर लगा लिया है, और कल हम उसकी रीपॉटिंग करेंगे, तो वो फिर मैं
आपके सामने ही उसका वीडियो बनाऊंगी और उसी को हम शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।